अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान ज़िशान गर्देजी और आप देख रहे हैं 51 न्यूज़। आज पाकिस्तान भर में 76वां यूम आज़ादी बनाया जा रहा है। आज जो है वो आम पाकिस्तानी आम शहरियों से जानने की कोशिश करेंगे कि गुज़श्ता 76 सालों में हुक्मरानों की जानब से बड़े बड़े दावे तो किए जाते रहे, लेकिन एक आम पाकिस्तानी, एक आम जो शहरी है वो क्या सोचता है। एक आम शहरी की आवाज़ आज आप तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे। हर साल हुकूमत की जानब से दावे तो बड़े किए जाते हैं कि अवामी जो मसाइल हैं उनसे हम वाकफ़ हैं, उनको हल करने की कोशिश करते हैं, लेकिन 76 साल गुजर गए, पाकिस्तान को आज़ाद हुए, तो आप बीइंग अ सिटीज़न ऑफ पाकिस्तान, आप एक आम शहरी क्या समझते हैं कि 76 सालों में हमने क्या अचीव किया या क्या खोया। वालेकुम अस्सलाम, मैं आपको सर यही बात करना चाहूँगा कि आप देख लें चाइना हमारे से बाद में आज़ाद हुआ, इंडिया के देखें बाद में, आप अपना कंपेयर करें दुनिया के साथ, दुनिया कहाँ पहुँच रही है, दुनिया इस टाइम हाई लेवल आगे का सोच रही है। हम जो है ना आज से 20-30 साल पीछे सोचने के, हमने पीछे क्या करना है, हमारी पॉलिटिक्स इतनी गंदी हो चुकी है, जो इस मुल्क का अच्छा सोचते हैं ना उसको आपने साइड पर कर देना है, उसको आपने कहना है बस ये हमारे बस के नहीं है। पाकिस्तान में तो आपसे एक में ही एज ए सिटीज़न यही सोच रहा हूँ कि हाँ पाकिस्तान में ईमानदारी की कोई गुंजाइश नहीं है, आप जितने बेईमान करप्ट होंगे आपको अच्छा उम्मीदा मिलेगा, आपको अच्छी फैसिलिटी मिलेगी, आपको हर बंदा आपकी इज्जत करेगा, जो ईमानदार बंदा है ना वो आप नीचे जाएगा। आप हमारे मुल्क का देख रहे हैं, जो पाकिस्तान के लिए अच्छा करने की कोशिश करते हैं ना उसको कभी कामयाब नहीं होगा। अंकल मुझे ये बताइएगा कि बड़े 14 अगस्त आपने गुजारे, बचपन में आपने बड़े जोश व खरोश से भी 14 अगस्त बनाए, तो क्या समझते हैं अपने तजर्बे के हिसाब से हमें बताइएगा जो आपने अपनी आँखों से देखा, हम दिन ब दिन जो है वो तरक्की की जानब गामजन है या हम पीछे की जानब जा रहे हैं, क्या आप इस सारे मामले को किस तरीके से देख रहे हैं। मसला है जी कि इससे जो पहले 14 अगस्त गुजरे हैं वो तो हमारे बहुत अच्छे गुजरते थे, ना हमें कोई प्रॉब्लम होता था, पैसों की परवाह नहीं होती थी, अब महंगाई ऊपर जा रही है तो कारोबार बिल्कुल 1 रुपये का भी नहीं, बिल्कुल हम नीचे जा रहे, पीछे जा रहे हैं। तो आप क्या समझते हैं कि हुक्मरानों की जानब से अक्सर दावे किए जाते हैं, हर 14 अगस्त को दावे करते हैं, लेकिन क्या वो दावे जो है वो मैं सिर्फ दावे तक मौजूद हैं या फिर उनका जो फल है एक आम आदमी, एक आम पाकिस्तानी तक पहुँचता है। वो बस वैसे ही सूखे दावे करते हैं जी, उन्होंने काम को भी नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है उन्होंने, सब वैसे ही दावे करते हैं कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे, कुछ भी नहीं, पाकिस्तान को पीछे ही कर रहे हैं और नीचे जा रहा है, सिर्फ दावा करते हैं लोग, झूठा दावा। आने वाला भी हमने दो दौर देखा है, एक ज़िया साहब का, एक मुशरफ का, एक 10 रुपये का चीज़ है तो 10 रुपये का चीज़ है, अब ये 10 रुपये का चीज़ है 20 रुपये का, 20 का चीज़ है 100 रुपये का, ये सब चोर है। पाकिस्तान में ताजर बिरादर भी और लीडर भी झूठे दावा, कंपनी वाले झूठे दावा देते हैं, गरीब को लाइनों में लगाए हुए हैं, दवाई आज 200 का ले रहे हैं, कल जा रहे तो 400 का हो गया, पाकिस्तान कैसे बनेगा, कैसे रहेगा, हम तो खुश नहीं हैं, हम महंगाई का बोझ में ऐसे दब गए कि बच्चे का रोटी नहीं पूरा कर सकते। आपने कहा कि ज़िया का भी आपने दौर देखा, उस दौर को और आज के दौर को अगर कंपेयर किया जाए तो आप क्या समझते हैं कौन सा दौर ज़्यादा बेहतर था। वो बेहतर था, क्या क्या वजह क्या थी, क्यों बेहतर था वो। हुकूमत लोगों को स्ट्रेट किया हुआ था, ताजरों को, फैक्ट्री वाले को, कारोबारी बंदे को, शराबी जुआड़ी जनाई को, सबको कंट्रोल किया हुआ था, ज़िया साहब ने बहुत अच्छा काम किया। मुझे ये बताइएगा कि 76 साल जो है वो पाकिस्तान को आज़ाद हुए हो गए, हर 14 अगस्त को हुकूमत की जानब से या जो हमारे सियासतदान हैं, लीडरान हैं, उनकी जानब से बड़े बड़े दावे भी किए जाते हैं और कहा जाता है कि दूध और शहद की नहरें बहा दी जाएंगी, आप क्योंकि आपका ताल्लुक एक कारोबारी तबके से है तो आप क्या समझते हैं कि कुछ बेहतरी हो रही है ओवरऑल जो कारोबारी तबका है या वो मुतासर हो रहा है, क्या कहेंगे इस पर। 77 साल का लोगों ने मेहनत किया था पाकिस्तान के ऊपर, वो तीन महीनों में बेड़ा गर्क कर दिया, इंसान का हालात देखो, महंगाई है, लोग सियासतदानों से खपा है, हुकूमत से खपा है, सारा माल रह गया, नुकसान है सारा। तो जो दावे किए जाते हैं हर साल 14 अगस्त पे कि आम जो शहरी हैं, आम लोग हैं, उनके लिए शहद और दूध की नहरें बहा दी जाएंगी, तो क्या कोई नहर का वो दूध और शहद का कोई कतरा आप तक पहुँचे अभी तक। बिल्कुल नहीं पहुँचे, नुकसान पहुँच जाते लेकिन कोई फायदा नहीं पहुँचाते। कल सरकारी लोगों ने आया था हमारा झंडी उठा के लेके गए, अभी तक
सार वो कह रहे दफ्तर में एक भी नहीं आए, तकरीबन 20,000 का झंडी था वो सारे लेके गया। आज के हिसाब से देखा जाए कि वो यही सोचता है, जब भी उठा पैदा हुआ है मुल्क नाजुक दौर से गुजर रहा है, और ये नाजुक दौर इतना ज़्यादा नाजुक है कि हमारे जितने भी गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ हैं एलीट क्लास, वो मज़ीद एलीट होते जा रहे हैं और अपनी जो उनकी जो आसाइशें हैं वो उसको ज़्यादा प्रमोट कर रहे हैं, और नीचे जो हमारा आम तबका है वो डिक्लाइन होता जा रहा है, तो वो ख्याल नहीं करता कोई भी। आपने क्योंकि कई 14 अगस्त गुजारे बनाए, तो आप क्या समझते हैं कि कौन सा दौर था जो बेहतर था, और अभी की जो सूरत हाल है वो बज़ाहिर आपने बता दी कि बड़े मुश्किल हालात हैं, तो क्या समझते हैं कि बेहतर दौर कौन सा रहा जो एक जिससे एक आम पाकिस्तानी को फ़ायदा होता गया या फ़ायदा हुआ? बेसिकली ये कह सकते हैं हमने को ज़िया का दौर देखा, ज़िया का दौर ठीक था लेकिन उसके बहुत सारे जो है ना डिमेरिट थे, और जो उसने प्रमोट किए वो आज हम अभी तक गुजर रहे हैं।